ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको सब पंचस्तवी का तृतीय तव जो है घटस्तव, इसका छठा श्लोक सुनाता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ। विश्वव्यापिने यथवत ईश्वर इति सथानो अनन्याश्रया शब्द शक्तिर इति त्रिलोक जननी तव एव तथ्य सिद्धि इत्थं सत्यपि शक्नुवन्ति यथिमा क्षुद्रार्जो जो भाजतो त्वद्भक्तानपि न खिनो शिचरुषा तद्देवी चित्रम महत। इसका मतलब है, हे माता, हे त्रिलोक की माता, हे महात्रिपुर सुंदरी, आपका नाम जो है सर्वव्यापक है। जैसे शिव देवताओं में सर्वव्यापक है, वैसे ही आपका नाम सर्वव्यापक है। आपके भक्तों को जो रोग, आज छोटे छोटे रोग जो है हमेशा तंग करते रहते हैं, अब यहाँ रोग क्यों आते हैं? जो पूजा करता है वो ज़्यादा बीमार या परेशान क्यों रहता है? क्योंकि उसको भगवान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। उसको ये भगवान चाहता है कि मुझे याद करे जिसको दुख आए। जब भागवत में द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की जी के बीच में संवाद हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा, मांगो बुआ, क्या मांगती हो? उसने कहा, ए केशव, मुझे पग पग पर दुख दे दो। अगर तुम दुख से याद आते हो तो मुझे दुख दे दो। मगर यहाँ पंचस्तवी के श्लोक में हम ये कहते हैं माता से कि जो रोग है, जो आपके भक्तों को तंग करते हैं, उन पर भी दृष्टि डालिए ताकि वो निरोग रहे। इसमें दुर्गा सुर्गा सप्तशती में कहा गया, रोगान शीशान अपहंस तुष्टा रुष्टात कामान सकलान विष्टाम तामाष्टा विप्रणानाम तामाष्टम आश्रिताम प्रयान्ति। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार साधिके शरणे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्ते। इस श्लोक का जो अर्थ है, मतलब है कि इससे रोग दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।